भाईजान देखे मीरब ये पिची जब तैयार होंगी ना तो अल्लाह की कसम मजा आएगा आपके बैट्समैन निकलेंगे आपके बॉल निकलेंगे आप देख लेना इससे हमारी बैटिंग बॉलिंग का इतना निखार आएगा कि दुनिया के क्रिकेट को exactly. आप ऊपर लेके आप exactly. देखेंगे ऐसे ही क्योंकि जब ए, अभी अभी रिसेंटली देख लेम कहा मैच वापस निकाले यूट्यूब सात से सौ हुए उसके अंदर बुरा जी। जी, ये ये का बॉल हमारे यंगस्टर को करना नहीं आता जैसे आप हल्की पिछे बनाएंगे वो तो फिर वो यही जो हमारे कोचिज है ना वो क्या करते नया बोल दो करा लिया थैंक यू यार अब तेरा ड्यूटी खत्म और स्पिनर, स्पिनर. ये नुकसान हो पाकिस्तान पाकिस्तानी अरबों रुपया लगा रहा है इसके ऊपर अरबो रुपया मगर हम उसको सब कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है अब ये जो फैसला लिया है, अप्रिशिएटेबल है सही बात है। अच्छा एक ये फैसला भी है और दूसरा आप ये देखें कि हम लोग ये बड़ी मरतबा राग लाते थे इधर टीवी चैनल्स पे बैठ के हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है हाँ डोमेस्टिक हाँ, डोमेस्टिक पे अगर हमारे पास लड़के परफॉर्मेंस देते हैं तो वो बेचारे किसका दरवाजा खोलना अच्छा उसके लिए भी एक मैं खबर दे दूँ उसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का खास तौर पर खिलाड़ियों को शुक्रिया अदा करना चाहिए जो, जो नज़रअंदाज होते रहे जो नजरअंदाज होते रहे उन्होंने उनके लिए सोचा है की पाकिस्तान टीम और शाहीन में उनके दरवाजे कैसे खोले जाए उन्होंने अब जो है वो क्लब लेवल से लेकर ऊपर डोमेस्टिक तक डिपार्टमेंट तक जो परफॉर्मेंस देगा उनमें से जो लड़के सिलेक्ट होंगे पांच टीमें बनाई गई हैं हाँ। अब पांच टीमें बना दी जाएंगी और पांच टीमें आपके जो सबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं लेजेंड्स हैं उनके हवाले कर दी जाएगी दो साल के लिए और वो उस टीमों को रन मांगे उस टीम को चलाएंगे हाँ। और उनके स्टैट्स मुरतब करेंगे कितना आसान होगा हमारे लिए कि क्लिक पे हम एक क्लिक पे अगर हमें स्पिनर चाहिए हमारा स्पिनर इंजर्ड हो गया शहीन के लिए या कौमी टीम के लिए तो हमारे पास टॉप फाइव स्पिनर निकल आएंगे उस टूर्नामेंट में से

आपके रन वाले प्लेयर भी हों आपको चाहिए है। आप, आपको अगर चाहिए स्पेशल टी ट्वेंटी का प्लेयर हाँ। आप सीरीज खेल रहे हैं आपके पास इंजर्ड हो गया वो आपको एक मिनट में एक क्लिक में मिल जाएगा उसके स्टैंड बता देंगे हाँ। कि ये टॉप फाइव प्लेयर है अच्छा फिर उसके बाद उसमें खासतौर पर जो पांच टीमें बनाई जाएंगी उसमें अच्छी चीज ये है कि उसमें कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेटर जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल चुका है वो शामिल नहीं होगा क्या बात है क्या सिर्फ नए चेहरे होंगे हाँ. जो नया टैलेंट होगा जो नई परफॉर्मेंस देगा जो खुद परफॉर्मेंस देगा उसको शामिल किया जाएगा तो ये एक ये इस तरह का माइंडसेट और इस तरह की आपकी जो है वो चीजें देखना हुँ. मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने ये स्टेप लिया है हाँ, ग्रो किया है क्योंकि देखिए अब देखा जाए ना ना तो अभी जो न्यूजीलैंड सीरीज है उन्होंने हमें एक मैसेज दिया है उन्होंने हमें मैसेज ये दिया है कि आप अपनी ए टीम के साथ वहाँ पर मौजूद हैं और हमारा फ्यूचर प्लान भी प्रिपेयर है पूरी तरह से

है, है, वो है, इसलिए है, है। कि जो नीचे बच्चे पांच पांच दस दस साल से परफॉर्म कर करके कर उन्होंने अपना सारा कुछ खत्म कर दिया exactly. जी इसकी तरफ नजर ही नहीं जाती हमारी आज मौसम नकवी साहब ने ये स्टेप उठाया ना आई सलूट वो इसलिए कि अब उससे क्या होगा हमारी क्रिकेट की बेहतरी होगी जो हम रोना धोना धोते रहे ना हमारे पास बेस्ट स्ट्रेंथ नहीं है बेस्ट स्ट्रेंथ नहीं है अब ताला देखे हर काम के लिए ना मेरा टाइम चाहिए होता है अगर आप कहेंगे ना मंथ में हमें रिजल्ट निकल आएगा ना तो मैं ना इतनी जल्दी नहीं आता अगर आप मकान भी बनाने जाते ना पहले उसकी नीय खोदती है नीय तो उसकी नीय बढ़ती है फिर जाके दीवारें खड़ी होती है फिर लैंडर बढ़ता है फिर जाके दो साल वो मकान बनता है वह वो कहते हैं ना जी ये अभी वो अभी हो जाए

जैसे ख्वाजा बहन तो स्क्रूटी होगी जो बच्चे जो क्लब लेवल से भी आएंगे उनमें क्रिकेट का जोश बढ़ेगा अगर पचहत्तर तो लड़कों में से अगर हमें दस लड़के मिल गए ना तो हमारा दस करोड़ भी ना मिनट पूरा हो जाएगा। ये तो नहीं तो पास नहीं कि है। 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 हमारे हमारे पास टैलेंट है? के जो चलता है, नहीं है।, नहीं है। नहीं हैं वो नीचे जाना पसंद ही नहीं करते मैंने काम किया रीजन में जूनियर लेवल में मैंने काम किया किसी को कहना यार जूनियर नहीं जी नहीं पाकिस्तानी दो Mm -hmm. पाकिस्तान की कोचिंग सबसे आसान है सबसे सही कुछ सब बात सब है।, कुछ आ, है सही बात है आपके पास सारे तो पकी पकाई खीर आ जाती है आपने क्या उसमें निची निची आए ना? ना? क्या है नीचे आए ना जिधर से आपको असल रॉ टैलेंट मिलना है आप उसको निखारेंगे तो फिर ऊपर लाएंगे यानी आप भी कहना चाह रहे हैं की हमारे जो एक जो बेस है जहाँ से एक प्लेयर प्रोड्यूस होता है वहीं पर कोई जाना नहीं चाह रहा जाता ही नहीं है मैं गुआ बैठू आपके सामने सर मेहनत करनी पड़ती है ना वहाँ पे वहाँ है धूप में खड़े होना पड़ता है और वही मजा है अब देखें, हुआ था भाई राहुल ने अंडर 19 लेवल के ऊपर इंडिया में पांच से सात साल लगाए हाँ। वो ऊपर नहीं आया वो बड़ा नाम है वो बड़ा हुँ। हुँ। बिल्कुल सही वहां बल्ले नजर आ रहे हैं ना ये उसकी प्रोडक्ट है नेशनल कोच है अंडर नाइनटीन का दो तीन मतलब वर्ल्ड कप जीते अंडर नाइनटीन के अब हम के ना वो आ मैं नहीं आना

जो है वो आप 25 तक भी कर सकते हैं परेशानी वाली क्या बात है सत्रों में से दो ही निकालने ना सारी टीम सेलेक्ट है